ये देखो माउंटेन्स के कैसे दो डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ऐसे वाले ना काफी सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखे हैं मैंने माइकल्स में, जब रियल फ्लावर्स देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया के प्लांट में ना सीड्स आ गए हैं, होपफुली ये धीरे धीरे सूख के जो धनिया के सीड्स होते हैं ना वैसे हो जाएंगे। आलू का प्लांट धीरे धीरे सूख रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर आलू तैयार हो रहा है। तो अनुज बोल रहे थे 3-4 आलू तो निकल ही जाएंगे इससे। ये ना गेंदे के सीड्स डाले थे बट लग नहीं रहा है कि इस सीजन में निकल पाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे हैं ये प्लांट्स। तो मैंने सोचा आज एक्सरसाइज के बजाय वॉक कर लेती हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, तो अभी आराम से मैं वॉक कर रही थी और मॉर्निंग आज बहुत खूबसूरत है क्योंकि कल पूरे दिन ना बारिश हुई है और सारे ट्रीज ग्रासेस ना नहा धो के और भी ज़्यादा खिले खिले लग रहे हैं और क्लाउड्स स्काई बिल्कुल ब्लू ब्लू क्लियर है, होपफुली आज कोई बारिश नहीं। जीरा और सौंफ डाल के पानी बना रही हूँ। एवरीडे मैं कभी कभी चेंज करती रहती हूँ, कभी नींबू पानी, कभी सिनेमन डाल के, कभी जीरा सौंफ या फिर अजवाइन। अब हमारे किचन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो फिर एक ही को क्यों यूज़ किया जाए, सबका फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं कि कोई भी एक चीज़ आप एवरीडे खा रहे हो या पी रहे हो ना तो आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है उस चीज़ से, तो कभी कभी चेंज कर लेना चाहिए। आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसको बॉईल करने के बाद भी इसमें हेल्थ बेनिफिट्स रह जाते हैं, तो मैं उसको सुखा के फिर सब्ज़ी में या दाल में छौंक लगा देती हूँ इससे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं आपके, कुछ सुनाओ क्या नई ताज़ी चल रही है। वैसे तो इस टाइम पर क्या ही नया ताज़ा चलेगा बट फिर भी कुछ है तो बताओ गप्पे मारते सुबह सुबह जब भी मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि ये मेरा फेवरेट टाइम होता है पूरे दिन का, और क्योंकि सब सो रहे होते हैं मुझे यही टाइम मिलता है जब मैं शांति से थोड़ा अपने साथ बैठती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में बाहर देखना सुबह का टाइम इज़ द लाइक बेस्ट फॉर मी, और पूरी फुल ऑन एनर्जी होती है इस टाइम पर, मुझसे जितनी मर्जी काम करा लो इवनिंग से मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। एक्चुअली आज थोड़ा सा बेटर हूँ बट कल बुरी हालत थी, कल बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और हेडेक भी ऐसा ना माइग्रेन टाइप्स, आधा ये आधा वाला जो हेडेक होता है ना, ओह माय गॉड, मतलब बहुत परेशान कर देता है। कल तो मैं इतनी परेशान हो गई ना कि जब मैं रूम में गई देखा पूरा फैला हुआ है, बच्चों पे इतना गुस्सा आया ना, मुझे डांट भी पड़ गई उन लोगों को, और वो मस्ती कर रहे चिल्ला रहे और मुझे लग रहा है उनकी आवाज़ ना कि सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, तो बच्ची खासी डांट पड़ गई कल। बट बेचारे उसके बाद पूरा क्लीन अप किया, फिर मैं रात को सोने गई तो सर पे मसाज कर रहे हैं, चंपी कर रहे हैं, बैक दबा रहे हैं, तो अच्छा लगा, मतलब हंसी आ गई, मतलब इतना पेन हो रहा था फिर भी चेहरे पे हंसी आ गई। और आप लोग बोलते रहते हो कि सच्ची इंजॉय कर लो ये टाइम, एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मिस करोगे। एक्चुअली बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, अभी हम परेशान होते हैं कि वो हमारे आसपास हमेशा घूमते रहते हैं और बाद में परेशान होंगे कि अरे उनके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है सो जो है जैसा है उसको एंजॉय किया जाए। ये वाला प्लांट ना वहाँ पे रहता था बाथरूम के साइड में और वो वाला यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए इसको यहाँ पे रख देती हूँ कि धूप अच्छे से मिलेगी। और ये है मनी ट्री, तो इसके लिए आई थिंक धूप थोड़ी ज़्यादा ही हो रही थी क्योंकि लीव्स के कलर ना थोड़े फेड हो रहे थे, तो ये जो कलर होता है ना ये काइंड ऑफ जलने वाला कलर होता है, तो जब धूप ज़्यादा मिलती है प्लांट को तब ऐसा हो जाता है। तो इनकी जगह बदल के देख लेते हैं कि कैसे ग्रो करता है, वैसे भी एक जगह बैठे बैठे ना ये बोर हो जाते हैं तो इनको भी थोड़ा घुमा फिरा देना चाहिए। आज लंच में मशरूम से कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो मशरूम से जब भी कुछ बनाना हो ना तो उसको पहले से साफ़ करके ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर इसमें मॉइस्चर रह गया ना फिर ये सही से नहीं बनता, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता।
यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो सैंडविच बना रही हूँ, पोटैटो पनीर और गाजर और थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है मैंने, नमक, काली मिर्च और इटालियन हर्ब्स। और ब्रेड को ना मैंने हल्का सा इस तरह से रोल कर लिया है, फ्लैट ब्रेड बना लिया है बेसिकली, और फिर इस पे स्टफिंग रख के और बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़, और इसको फोल्ड करके बटर या घी में अच्छे तरह से दोनों तरफ से सेक लिया है। और आप तो बड़े फेमस हो गए हो, थोड़ा सा मतलब फेरी व्यू क्या दिखाया, सब बोल रहे हैं अनुज भाई आप ही ब्लॉगिंग टैलेंट करो, टैलेंट हिडन टैलेंट है ओह हिडन वो। टैलेंट, इतना बोल बोल के करवाया था, कर लेना प्लीज। आज केविश जूस बना रहे? अच्छा, और सब जूस की रेसिपी मांग रहे थे, तो रेसिपी कुछ नहीं होता है, बस एप्पल और ऑरेंज डालते हैं हम, उसमें कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, फ्रेश प्योर जूस। ये को बड़ा फन वाला स्टडी मिला है, टंग ट्विस्टर, टंग टंग ट्विस्टर करना है उसको, और इस बुक में लिखा हुआ है कि डू इट विथ योर फ्रेंड, तो येशा बोल रही है नाउ यू आर माई फ्रेंड, तो आप भी करो। हमारे टाइम में टंग ट्विस्टर होता था, वो वाला सबसे फेमस, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। चलो आप अपना टंग ट्विस्टर सुनाओ। ओके, दिस इज वन फ्रॉम द स्टैंड मास्टर। हाउ मच सेड व्हाट चक इन व्हाट चक व्हाट चक वुड। सो लाइन है, हाउ मच वुड वुड A woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood. And there's chuck in just that magic. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. One that Mama knows and one I don't know. Okay. She sells seashells by the seashore. Wait, this one's from just that magic too. Achha. This is easy. Oh, wait. A big black bug bit a big black bear. मशरूम हमारे घर में कुछ ज्यादा पसंद नहीं है किसी को भी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मशरूम में ना कोई भी टेस्ट इजीली चढ़ता नहीं है, बट आज जो मैं बना रही हूँ ना वो बहुत ज्यादा यम्मी बनता है। अगर आपको भी मशरूम नहीं पसंद है तो ये वाला ट्राई करके देखना, जरूर अच्छा लगेगा। और मशरूम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मॉइस्चर, इसलिए जब भी बनाना होता है ना मैं मॉर्निंग में ही इसको धो के सुखा लेती हूँ कि जब बनाना हो तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने हंकर्ड बना लिया था, मॉर्निंग में ही दही को कपड़े में लपेट के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन रोस्ट कर रही हूँ, अब इसमें डालेंगे रोस्टेड बेसन ताकि मैरिनेशन अच्छे से कोट हो जाए मशरूम के ऊपर। फिर डालेंगे सारे मसाले, नमक, रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, खटास के लिए थोड़ा सा चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, नींबू और थोड़ा सा तेल। और मैरिनेशन ऐसे ही थिक होना चाहिए तभी वो मशरूम पे अच्छे से कोट करेगा, अगर ये लिक्विडी होगा ना तो मशरूम को कोट नहीं कर पाएगा। इसको 10-15 मिनट्स के लिए रख देंगे और तब तक कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी के लिए मैंने सिर्फ ऑयल लिया है, अगर आपके पास बटर है तो वो भी ऐड करना, मेरे पास बटर फिनिश हो गया है। उसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, बे लीफ और क्यूमिन सीड, रफली चॉप्ड अनियन, जब अनियन थोड़ा सा पिंक हो जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब ऐड कर देंगे टमाटर और क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से काजू। अब ऐड करेंगे इसमें स्पाइसेस, थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको ढक के 10 मिनट्स तक कुक होने देंगे। ये अच्छे से रेडी हो चुका है, बस इसमें से तेज पत्ता निकाल के इसको ठंडा करके और स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे।
मशरूम 15 मिनट से मैरिनेट हो रहा है, तो अब इसको मैं फ्राई करूंगी। आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो या फिर अवन में कर सकते हो, तंदूर है उसमें कर सकते हो। बेसिकली जैसे टिक्का बनता है ना, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, वैसे ही आप ये मशरूम टिक्का बना सकते हो। आज मैं इसको सिंपली पैन में थोड़े से ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसके गरम होते इसमें डालेंगे ये वाला पेस्ट। थोड़ा सा भी मसाला वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको धो के इसका पानी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। क्रीमी क्रीमी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, अब इसमें ऐड कर देंगे मशरूम। मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर रही हूँ, बट ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, या फिर घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो लंच में हम राइस ही खाते हैं, बट ये मखनी ग्रेवी जो होती है ना, उसके साथ रोटी या पराठा ही अच्छा लगता है, इसलिए आज बना रही हूँ सिंपल फुलके। देसी घी डालेंगे उसके ऊपर। जब भी मैं बटर चिकन भी बनाती हूँ ना, तब भी मैं रोटी या पराठा ही बनाती हूँ, बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, राइस के साथ उतना मज़ा नहीं आता। रोटी पराठा या फिर नान। Standing bunny black. That's so cool. We never seen a bunny that stand. ये देखो इस बनी को, two, ब्लैक two, कलर का two, है two. दूसरा कौन? The other one went under a truck. Is he safe? I like it when bunnies run. But I like bunnies when यहाँ पे विंडो पे खड़े होके ना अच्छा टाइम पास हो जाता है। ट्रीज देखते रहो, कार्स आती जाती रहती हैं, बनीज, स्क्विरल, कुछ कुछ दिखता रहता है। ओ, दूसरे बनी को फ्रेंड मिल गया, वो हाइड एंड सीक प्ले कर रहे। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ साथ। ओ, झगड़ा हो गया अब। अब वो मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ओ, खा रहा है कुछ। no, भूख लग गई, खेलते खेलते ना थक गए। ओ, एक और बनी आ गया। अरे यहाँ तो बनी पार्टी चल रही है दोस्तों। एक And और बनी आ गया, ऑल ब्लैक। ये फर्स्ट टाइम देखा है हमने कि तीन तीन बनी एक It's साथ। not as the same color. It's one, two, three. Look, that bunny, it has something white on it. उसके पैर में कुछ है वाइट वाइट। कि उसका पैर वाइट कलर का है। Wait, is it almost winter time? और ये मशरूम फ्राई किया था ना, तो देखो तवे की क्या हालत हो गई है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा डिश वॉशर लिक्विड डालती हूँ, बेकिंग सोडा, और पहले अच्छे से बॉयल आ जाता है जैसे ही पानी में ना, फिर इसको सिम पे रख के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर जब पानी ठंडा हो जाए, पानी निकाल के और फिर क्लीन करो। हो गया ना बिल्कुल चमाचम फिर से। अभी आ गए हैं हम वॉक के लिए और आज एक नई जगह आए हैं। ये टाइम होता है जिसका ना हम सुबह से वेट करते हैं, कि सुबह से हर कोई अपने अपने कामों में लगा रहता है और इवनिंग के टाइम पे सारे मिलके मस्ती करते हैं, वॉक करते हैं। और थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। दिन भर घर पे ही रहते हैं, ठीक है वो तो वैसे भी बाहर थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, बट स्टिल बाहर आके दौड़ना भागना इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सुंदर जगह है ये। और हम लेट हो रहे थे तो चाय बना के ले आए। इस व्यू के साथ चाय को एंजॉय किया जाए। चलो चलो वॉक करो वॉक। और लग ही नहीं रहा है जुलाई का मंथ आ गया है, समर्स का तो लाइक एस भी नहीं है। अभी भी हल्की हल्की ठंड है, तो इसलिए हम फुल स्लीव्स पहन के आ गए हैं कि
आराम से कंफर्टेबली वॉक कर सके। बहुत ब्यूटीफुल जगह है और हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं यहाँ पे। ये पार्क इन्होंने नया डेवलप किया है, पहले छोटा सा पार्क था, तभी ये शकीर शिता चिल्ला रहे जाने के लिए, बट नहीं हम अलाउ नहीं कर रहे अभी। लाइक पार्क हम अवॉइड कर रहे हैं चाहे रश हो या ना हो, क्योंकि क्लीन तो होता नहीं है और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्लाइड और स्विंग हम क्लीन करें और फिर वो यूज़ करें, इट्स नॉट पॉसिबल। और बच्चों को स्टॉप करना भी ना बहुत मुश्किल होता है कि फेस टच नहीं करना या फिर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अच्छा है कि बस भागो दौड़ो और वॉक करो। और ये देखो कितनी सारी फेरीज लगी हुई हैं, और सी प्लेन आता है वैंकूवर से, वो भी यहीं पे लैंड करता है। आइलैंड खुद में ही इतना सुंदर है ना, लाइक जहाँ हम रहते हैं ननाइमो ही ऑलरेडी इतना सुंदर है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और स्पेशली इस टाइम में जब हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो सच में एवरी डे वी आर ग्रेटफुल कि एटलीस्ट हम घर से बाहर तो निकल सकते हैं, नेचर को इन्जॉय कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सही बहुत रिलैक्सिंग होता है, और दिमाग में जितना भी स्ट्रेस चलता रहता है ना पूरे दिन, वो थोड़ी देर के लिए उसको हम गुड बाय बोल देते हैं और फिर अपने आप को तैयार करते हैं नई लड़ाई के लिए। वेदर अच्छा है, लाइक हल्की हवा चल रही है, और क्योंकि फुल स्लीव्स पहना हुआ है तो कंफर्टेबल है, तो अच्छा लग रहा है। ये रहा सी प्लेन, और ये देखो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पार्ले जी बिस्किट, मठरी और चाय। देखो रात के 9 बज रहे हैं, अभी भी लाइट है, 10 बजे तक जनरली लाइट रहती है, बट यहाँ का वेदर इतना फनी है ना, जब हम लोग पार्क में ही थे वापस आ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई, और 7 o'clock इतना डार्क हो गया, लग रहा था कि जो ठंड वाली शाम होती है ना जब 6 बजे अंधेरा हो जाता है वैसा हो गया, और फिर थोड़ी देर बारिश हुई और अभी फिर से लाइट हो गई। आज थोड़ा लेट हो गए हम, अनुज बिगाड़ते रहते हैं इनको टीवी दिखा दिखा के, मेरे से ही देखते हैं हम, एक या दो एपिसोड देखते हैं, आज 3 एपिसोड्स देख लिया, वो होता है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग आ जाता है तो नेक्स्ट में क्या होगा उस चक्कर में फिर थोड़ा लेट हो गया, तो 9 o'clock हो रहे हैं अब, ये तो अभी मतलब पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो चलिए आज का दिन भी ख़त्म, ब्लॉग भी ख़त्म, तो अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। धीरे धीरे If you are Keyush and Didi fan, then give a thumbs up. And no buns. If you come on our YouTube channel, if you want it, come on our YouTube channel. बस इसका चलता रहेगा दोस्तों, चलो अब जाओ, तुम बाय।